नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। साथियों, वर्तमान की कुछ प्रमुख एवं खास खबरें आपके मध्य में साझा करेंगे। दरअसल हाल ही के अंदर यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी के अंदर सुपर टेट को लेकर, यूपी के अंदर टेट को लेकर एक और चरण पार हो चुका है। कौन सा चरण है, क्या है, क्या इसके बाद अब सीधे भर्ती ही आने वाली है, कितने पदों पर आएगी, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। कब तक सुपर टेट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। क्या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, कब तक होगा टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे मुख्य बात, यूपी के अंदर टेट नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये बातें भी आपके मध्य में डिस्कस करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपडेट की अगर हम बात करें, आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक अपडेट दिख रही होगी। यहाँ पर देखें, प्राथमिक से लेकर उच्च तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू करने का इंतजार। यहाँ पर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अधियाचन मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अधियाचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अधियाचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के आयोजन के साथ अटल आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साथ ही आयोग के पास दो पुरानी भर्तियां भी लंबित हैं, जैसे कि जिनमें की अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। दोनों भर्तियां 2 साल से लंबित पड़ी हैं। इस दौरान अशासकीय महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नए हजारों पद खाली हैं। वहीं अभ्यर्थियों के दावे के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में भी प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 से अधिक पद खाली हैं। अब हम बात करें इसके बाद अगली अपडेट की, इसके बाद हम इस पर एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए मांगा अधियाचन। यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभाग से अधियाचन मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अधियाचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अधियाचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के आयोजन के साथ अटल आवासीय महाविद्यालयों, फिलहाल के लिए वही खबर है जो कि यहाँ पर दोहरा के बताई गई है। अब इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो प्रमुखता से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आयोग का बार बार कहना यही है कि दो ही भर्ती हमें करानी है। दो में कौन सी, पहली टीजीटी पीजीटी वाली, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी प्रवक्ता वाली वैकेंसी। इन्हीं दोनों वैकेंसीज पर लगातार आपका आयोग बोल रहा है कि अभी केवल यही वैकेंसीज हमारे पास है, बाकी वैकेंसीज हम तब कंडक्ट कराएंगे जब हमारे पास अधियाचन आएगा। अधियाचन भेजेगा कौन, तो अभी अधियाचन भेजेगा संबंधित विभाग, जैसे कि प्राथमिक का शिक्षा विभाग भेजेगा, उच्च प्राथमिक का भी भेजेगा। तो अभी तक टीजीटी पीजीटी का अधियाचन तो मिल चुका है, लेकिन यूपी के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती का कोई अधियाचन अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल के लिए वेट है कि कब तक अधियाचन मिलेगा। इसमें आपके आयोग की भी कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो इसमें विभाग की और वर्तमान में सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार को अधियाचन जारी करना चाहिए। वर्तमान में विद्यालय बंद हो रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पास पद भरे हैं। फिलहाल के लिए अब ये प्रकरण तो चल ही रहे हैं, हो सकता है जल्द ही कोई अधियाचन मिले आयोग को। अब हम बात करते हैं क्या टेट के लिए भी अधियाचन चाहिए, तो देखिए टेट के लिए कोई अधियाचन की जरूरत नहीं होती है। टेट के लिए डायरेक्ट केवल शासन से मंजूरी चाहिए। अभी तक केवल टेट आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसके पहले पीएनपी कराता था, अब आपका नया आयोग कराएगा। तो आयोग का कहना है, एक बार हम बैठकर पूरा डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या-क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, कैसा अब का सिलेबस है, उसके बाद टेट का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सेम यही थ्योरी आपकी सुपर टेट में भी होती है। फिलहाल यही सारी वर्तमान की खबरें हैं। वर्तमान में हम बात करें तो जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है टीजीटी पीजीटी आपका कंडक्ट हो, जो कयास के अनुसार है। उसके बाद मार्च अप्रैल मई के बीच में हो सकता है यूपी टेट नोटिफिकेशन देखने को मिले, फिर उसके बाद आपको सुपर टेट देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो भी अपडेट्स होंगे प्रॉपर तरीके से आपको देंगे। फिलहाल जय हिंद।